तो वी आर बैक इन पिंडी, सो वी आर बैक इन पिंडी, सो वी आर बैक इन पिंडी, सो वी आर बैक इन पिंडी एंड वी आर हियर व्हाई? बिकॉज़ हम अपने स्टूडियो के लिए कारपेट लेने आए हैं। हम कारपेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उसके एक्चुअली मल्टीपल फायदे हैं, और सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि हमारे जो भी स्टूडियो में इस वक्त है बहुत ज्यादा एको हो रहा है, तो कारपेट से जो है वो साउंड बाउंस नहीं होगी ज़्यादा एक मिनट ड्राइव करने। हाँ, कारपेट से ज़्यादा बाउंस नहीं होती साउंड, तो एको कम हो जाएगा। दूसरा ये है कि सर्दी गर्मी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, हम नंगे पैर स्टूडियो में आराम से फिर सकेंगे। और क्या रीज़न है रमा? बेसिकली साउंड प्रूफिंग के लिए हम करवा रहे हैं एंड कम्फर्ट। तो हम जा रहे हैं इस वक्त, मैंने फेसबुक ग्रुप से पूछा कि किधर से अच्छे कारपेट मिलते हैं पिंडी इस्लामाबाद में, तो मुझे रिकमेंडेशन आई है कि सैदपुर रोड पे दुकानें हैं, तो हम आ गए अब पिंडी और सैदपुर रोड की तरफ जा रहे हैं। सो वी आर हेयर, और यहाँ पे काफ़ी सारी जो है कारपेट्स की दुकानें हैं, और यहाँ पे आके मुझे एक और चीज़ याद आई, वो ये थी कि हमें ब्लाइंड्स भी चाहिए स्टूडियो की खिड़की के लिए, क्योंकि एक तो रोशनी भी रोकनी है हमें, और एकुस्टिक ब्लाइंड्स हो तो ज़्यादा बेहतर है, उससे जो है तो सर्दी वगैरह अंदर आने से भी रुक जाएगी, और बाउंस ऑफ और खिड़की से जो आवाज़ है वो भी बाउंस कम करेगी। व्हाट डू यू थिंक, डज दैट मेक सेंस? So let's see if we find something here and we'll take you along the journey with us. So what colors are we going for today? Parda or carpet? Carpet, I think we should get a grey carpet, or blinds I think black hone chahiye taki hum, I think sunlight agar jaise let's say hame block karni hai to uske liye, I agree with you, black hona chahiye. So we are on the same page regarding that. Do you want pattern on the carpet or no? So I think we are on the same page. ज़्यादा time नहीं लगेगा इसका मतलब चीज़ें खरीदने का. So let's go. हाँ, एक और चीज़, carpet के नीचे मैं चाह रहा था वो cushion सी कोई चीज़ होती है वो भी लगा लें, तो उसमें थोड़ा ना soft हो जाएगा carpet. चलो let's go and check it out. हम grey color इसलिए choose करें because जो हमारी छत है वो grey color की है. Concrete. हाँ, हाँ, वो ग्रे कलर की है, और जो हमारी वॉल्स हैं वो काफ़ी ब्राइट हैं, रेड ऑरेंज इस तरह की हैं, सो हम बहुत ज़्यादा डार्क कलर की तरफ नहीं जा रहे हैं, हमें लाइटर कलर चाहिए, लेकिन इतना भी लाइट ना हो कि अगर ऐसे कुछ उस पर स्पिल होता है तो नज़र आए, तो हम मिट्टी के कलर का, जैसे छत है ना गंदी सी, उसी गंदे से कलर की हम जो है वो कारपेट डालेंगे, लेकिन लेट्स से इफ़ खुदा न खास्ता उस पर कुछ गिरता है तो वो नुमाया ना हो और वो ब्लेंड हो जाए हमारी छत से और एक हमारा फ्लोर एक जैसा लगे। मैं कुछ और, मेरे कुछ और रीजन से रेड ब्लैक ग्रे के, आई थिंक इट्स अ गुड कंट्रास्ट, लाइक रेड वॉल्स हैं तो ऊपर और नीचे दोनों ग्रे ग्रे हो। मेरा जो रीजन था ग्रे का वो था, आई वाज थिंकिंग ऑफ अ मोर एन इंडस्ट्रियल लुक। हां, बिकॉज़ हमारी छत इंडस्ट्रियल है ना, तो उसी को मैच करने के लिए आई थिंक हमें फ्लोर का कलर भी ऐसे ही होना चाहिए। सो आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज। अभी जो तो हमें जो पता चला है वो ये है कि तुर्की वाले जो कारपेट हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं, पाकिस्तानी कारपेट थोड़े हार्ड हैं। ये अच्छा है, हाँ ये बहुत सॉफ्ट है मगर टर्किश है, डबल द प्राइस ऑफ पाकिस्तानी कारपेट।
ग्रे बट दिस इज नॉट द मटेरियल दैट वी आर गोइंग फॉर व्हाई इज इट नॉट द मटेरियल बिकॉज़ इट्स नॉट सॉफ्ट और जब ये थोड़ा पुराना हो जाता है ना तो इस पे पैर जलते हैं तो हमें ये नहीं चाहिए इस पे भी मैं और हम एक ही पेज पे हैं बिकॉज मुझे भी बड़ी जो है ना कोफ्त होती है जब थोड़ा बहुत वो जलन होती है पैर के उसमें तो वी आर गोइंग फॉर समथिंग वेरी सॉफ्ट ये रोज जो आप देख रहे हैं कारपेट की इंसुलेशन होती है ये सैम्पल है ये 10 रुपए का है ये 12 रुपए का है और ये 14 ये 17 रुपए का सबसे मॉडल है तो ये 8 मिलीमीटर है ये 10 मिलीमीटर है हमने जो है काफ़ी पूरी मार्केट सर्वे किया है मगर हमें जो है कारपेट्स की क्वालिटी में मज़ा नहीं आ रहा जो पाकिस्तानी क्वालिटी है बहुत ज़्यादा हार्श हैं और अजीब सी उसका एक वो फीलिंग आ रही है क्योंकि स्टूडियो के लिए हमें ज़रा कंफर्टेबल सा चाहिए कारपेट तो ये सॉफ्ट सा है इम्पोर्टेड है और फ्रेश हो गए सैंपल तो बहुत पहले अच्छा ये किधर का है सऊदी अरबिया ये सऊदी का है या तुर्की का इन दोनों में से सऊदी कहाँ बनाते हैं तुर्की का है तुर्की कलर इतने बड़े बड़े ये कलर हमें पसंद आए मल्टीपल कलर्स में आ रहा है ग्रे है ऑफ वाइट सा है ब्राउन है और प्योर वाइट इसमें डबल शेड है बट आई थिंक इट्स वेरी नाइस वेरी सॉफ्ट तो स्टूडियो में अच्छा लगेगा थोड़ा रमा वॉज गोइंग फॉर लाइटर शेड मैं थोड़ा डार्क शेड में जा रहा था तो इसमें दोनों ऑप्शन हैं A good thing about this one. क्योंकि इन इम्पोर्टेड कारपेट्स की ज़्यादा सेल नहीं होती तो इन्होंने सिर्फ सैम्पल्स रखे हुए तो अभी ये लोग चेक करें कि ये कितने का मिल रहा है और ये अवेलेबल है भी या नहीं सो विल सी अनफॉर्चुनेटली उनके पास सिल्वर कलर नहीं था और हमने 2 महीना वेट भी किया मगर सिल्वर कलर स्टॉक में नहीं आया सो वी वेंट फॉर दी ब्राउन कलर सो इफ़ यू आर वंडरिंग कि हमने पर्दे ख़रीदे या नहीं तो द आंसर इज़ हमें इस मार्केट में पर्दे नहीं मिले So we will leave that for another video in the future. This was the end of this video, but Rama ke channel pe ek aur video aayegi, jisme hum studio cleaning karenge aur mere channel pe bhi ek aur video aayegi, jisme main studio reveal karunga aur carpet lagte hue dikhaunga. So stay tuned.